स्मार्टी बॉय। तो अब चल रहे हैं माता के दर्शन के लिए। अब निकल रहे हैं भाई, कर ली पैकिंग वैकिंग, अब चल रहे हैं। दिखाते हैं तुम्हें, बैग लटका लो अपना, इंस्टाग्राम को बैग है मेरा, ए नू लटक जावे। चलो लाइट्स ऑफ, बाय बाय, मिलते हैं। चलो चलो जल्दी भाई। नहीं भाई चल रहा है पैरल पे। नहीं भाई सांप हूँ मैं। कोई भाई है नू कह रहा, जम्मू में बारिश हो रही है भेड़ा भेड़। ओ माय जी बारिश, बाढ़ आई थी अभी 2 दिन पहले। वाओ पीसफुल प्लेस, जन्नत भाई। अब हमें पर्ची लेनी है, पर्ची कहाँ से मिलेगी भाई? पर्ची लेंगे अब यहाँ से यात्रा की, फिर चलेंगे ऊपर। ओह माय गॉड इट्स अ पजल, कृपया यात्रा पर्ची लेने का बाद। तो ये रही यात्रा पर्ची अपनी, अब चल रहे हैं आगे यात्रा की ओर। तो चल दिए यात्रा की तरफ। ये भाई मर्सिडीज में लग रहा है, पूमा में मर्सिडीज में चाहिए तो भाई बता देना। दस की दो पट्टी, 20 की चार। चल चल चल, जय माता दी भाई। वैसे कैसे ऊपर से कहां से आ रही है? जय माता दी आओ। वैष्णो देवी का चेक पोस्ट है, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे मतलब जैसे चल रहे हैं, एनर्जी अपने आप ही आ रही है, फील ही नहीं हो रहा। व्यूज देखो,
माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आधा रास्ता चढ़ गए हैं माता जी की कृपा से, अभी आधा रास्ता और बचा है। तो इस जगह का बहुत ही बढ़िया व्यू था, मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा व्यू था इस जगह का, मज़ा आ गया सच में। चले थे हम, हाँ कितने बजे चले थे? 6 बजे हम निकले थे, है ना? 6 बजे निकले थे होटल से, 6:30 बजे चले होंगे हम आफ्टर चेकआउट, है ना? 6:30 बजे चले थे और अब टाइम हो रहा है 8:30। 2 घंटे हुए हैं अभी हमें। कोई नहीं, चलते चलो। जय माता दी। यही जो लोग मतलब पैदल चल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, वो भी घोड़े खच्चर जो हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, और जो बूढ़े हैं जो नहीं चल सकते वो लाठी से चल रहे हैं। ये होती है, अगर आप चल सकते हो तो चलो ना पैदल यात्रा में, अगर आप नहीं चल सकते भाई घुटने में दिक्कत है फिर लो, वरना मत लो। पैदल यात्रा करने में बहुत मज़ा है, हम भी पैदल यात्रा ही कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता है सच में। माता रानी अपने आप शक्ति देती है चलने की। 2 घंटे से चल रहे हैं भाई, कुछ भी थकान नहीं है अपनी। ये व्यू है भाई, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है, ले ले मजेदार। अभी 5.5 किलोमीटर और है माता रानी का दरबार, तो चलते चलो। इतने चले हैं, 5.5 किलोमीटर क्या है, कुछ नहीं है, चलते चलो। जय माता दी। भाई वैसे मज़ा आता है सच में। तो रात
रात के बज रहे हैं 10 और अभी भी चल ही रहे हैं। भवन से 3 किलोमीटर और दूर हैं हम अभी, 3 किलोमीटर हैं, 3 किलोमीटर और दूर हैं भवन से। हम चले थे 6:30 बजे और अब बज रहे हैं 10। अरे वो देखो, मजा आ रहा है, बहुत ही पीसफुल प्लेस है। हिरन, हिरन चुंगम खा रहा है, ऊपर से ये चुंगम खा रहा है भाई, चुंगम खा रहा है, चुंगम भाई। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है ऐसे, ये देखो ये पोज दे रहा है, खींचो, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ले रहे हैं सब। देखो हाँ ले लो बेटा ले लो, तुम्हारे लिए आया हूँ। वो ये देखो भाई अंकल, अच्छा ये ले बेटा, फुल अंकल को पता नहीं है, अटैक कर देगा, सिस्टम हैंग कर देगा भाई। थोड़ा पीछे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आते हुए, ये देखो हिरन के फैंस, हिरन के फैंस आ गए सारे। हिरन कह रहा क्या बात होगी भाई, हिरन के फैंस, हिरन कह रहा अरे क्या बात होगी भाई, गलत आ गया क्या, नहीं आना था क्या। मौज में है, खैर छोड़ो भाई, हिरन भाई मौज में हमारा, कह रहा खींच लो तुम फोटो, कोई बात ना, तू तो बेचार नो कह रहे हो क्या बात होगी भाई, मैं तो कुछ करो भी ना, अभी पहले ही फोटो न खींच रहे हो। ये राम माता वैष्णो देवी का भवन, बहुत ही पास माता वैष्णो देवी के भवन के, तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, चलो चलो 500 मीटर और फिर पहुंच जाएंगे हम भवन पे। टाइम हो रहा है रात के 10:40 और अभी 500 मीटर की दूरी पर है भवन से। चलो चलो पहुंच जाएंगे अभी जल्दी। भवन पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से प्रसाद लेना है भाई, क्या ना रेडी हो चुके हैं स्नान करके, अब चलेंगे भवन की ओर। भवन में फ़ोन अलाउड नहीं है, सो फ़ोन लॉकर में रखा जाएगा, फ़ोन लॉकर में रख के फिर जाएंगे भवन की ओर। चलो अब चलते हैं। तो वैष्णो माता जी के तो दर्शन कर ही आए, अब जा रहे हैं हम कहाँ पे जा रहे हैं, भैरव बाबा पे, भैरव बाबा। और टाइम हो रहा है 2:10, चल दिए, आधे घंटे का रास्ता बता रहे हैं और देखते हैं, थक गए भाई आज।
इनकी चढ़ाई थोड़ी सीधी ज्यादा है, पर कोई नहीं, चलते हैं। सिटी, लेट्स गो ब्रो। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 4 और अब हम चल चुके हैं नीचे को। अब हमें लगेंगे 3 घंटा वापस नीचे को उतरने में। अब हम यहाँ से जाएंगे अपने होटल, फिर वहाँ पर सोएंगे, फिर आगे बताएंगे। वैसे मैं मलूक हूँ, सॉरी गलती होगी। ओहो बादल, ओ भाई बारिश आएगी। ओहो यहाँ पे जो हम उठा रहे ना मेरा फोटो में यही रास्ते पे उठा रहा था। ओह वाह, बादलों के बीच पूरे में बादल है यहाँ, बहुत ही तगड़ा है भाई व्यू। सुबह के बज रहे हैं 4:30, पूरे में बादल ही बादल है, बिजली कड़क रही है, बारिश आई है। पहली वाली बिजली है और दूसरी बिजली है भाई। हम तो त्रिकोण के आगे पे ओस लग जाएगी है, ओस ही ओस आ रही है भाई, फ्लैश चलाते। अच्छा ये बिजली वाली बिजली है, दूसरी बिजली है ना, एक रहे इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा फस रहे हैं, एक यू क्लाउड वाली बिजली, क्लाउड वाली छतरी लग रही है, डिश टीवी। अब इतना ही नीचे जाना हमें, हेलो गाइस, सो कैसे हो सभी भाई। उतर गए थे वहाँ से चढ़ाई पे से, सुबह पहुँचे थे हम, नीचे आ गए थे 8 बजे करीब आ गए थे और 9 बजे होटल पहुँच गए थे। होटल हाँ 9 बजे हम होटल आ गए थे चढ़ाई पे से। हम चले थे 4:30 बजे चले थे सुबह भैरव बाबा के वहाँ से, और फिर नीचे हम पहुँचे थे, चलते रहे थे, बारिश भी हुई थी बीच में। हम आ गए थे नीचे 8:30 बजे तक, सुबह के 4 बजे के चले, 4:30 बजे के चले। फिर नीचे आके होटल आए, होटल में आते ही भाई रूम में ऐसे पड़े हुए हैं, पता ही नहीं है, आँख खुली, 8:00 बजे आँख खुली है, उठे हैं, अब 10:30 बजे की ट्रेन है और टाइम हो रहा है 10:30 बजे की ट्रेन है और यहाँ से 2 किलोमीटर है। अभी खाना वाना खाया था अभी उठते ही, अब चलेंगे, निकलेंगे, पहुँचते हैं फिर रेलवे स्टेशन। मैं यार वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाया भाई, एक तो बारिश और उतरते टाइम हालत बुरी हुई पड़ी थी मेरी, ऐसे ऐसे चल रहा था। अभी तो गर्म गर्म पानी लेके पैर वगैरह सेकें जब थोड़ा आराम है, सो कोई नहीं। बहुत ही मज़ा आया भाई, और जब हम वहाँ पे गए भैरव बाबा के वहाँ पर ऊपर भाई, क्लाउड्स है ना जो बादल, वो बिल्कुल मतलब जैसे औरों को लग रहा था ओस पड़ रही है, बट वो बादल थे, बादल भाई सराउंडिंग में, इतना अच्छा व्यू, बहुत ही मज़ेदार व्यू, मज़ा आ गया देख कर। एंड फिर वहाँ पे मैंने एक दो वीडियो शूट करी, अभी डालूंगा वो भी IGTV वीडियो एक करूँगा अगर हो पाई तो, इंस्टाग्राम पर देख लेना आप लोग।
और यूट्यूब पे ये अपना वैष्णो देवी का सेकंड व्लॉग है। सो प्यार सपोर्ट बनाना है। अब व्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। देखो मैं एक्सपीरियंस बनता नहीं है व्लॉग वगैरह का, मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाता हूँ, बट थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताना चाह रहा हूँ क्या करता हूँ वो यूट्यूब के थ्रू। सो इसलिए वीडियो डाल रहा था ये वाली, और ये वाली हम सब ने बोला था देसी लैंग्वेज में, सो मैं देसी लैंग्वेज ही प्रेफर कर रहा हूँ। ओके सो ऐसी व्लॉग अब बनाता रहूँगा भाई, एक्सपीरियंस आप भी देखो लाइफ में कैसे, और जगह के बारे में बताता रहूँगा, प्लेसेस के बारे में। और अभी तो और बहुत सारे व्लॉग्स आने हैं, सो कोई इशू नहीं है, इसको लाइक सपोर्ट प्यार बनाए रखें। और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा था ऊपर जाने तक का, और भैरव बाबा के वहाँ का तो अलग ही था। सो कोई नहीं, आप प्यार बनाए रखें। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, लॉट्स ऑफ